नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बेबी बेक पटैटोज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, एकदम इजी तरीके से। हमें अगर मैं कभी कुछ डिफरेंट खाने का मन किया कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह में, तो आप इसको बना के एकदम टेस्टी खा सकते हैं घर पे। तो उसी की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलो देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं अवन में बना रही हूँ। तो मैंने अवन को प्री हीट पे कर दिया है, 470 पे करके इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अब चलो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं पटैटो का। यहाँ पे मैंने बेबी पटैटोज़ लिया है, दो कलर का है, एक कलर रहेगा तो भी चलेगा, जस्ट ऐसे दो कलर का ले लिया है मैंने। यहाँ पे तेल चाहिए, ये ऑलिव ऑयल है। इस पटैटो में बेक करने के लिए ऑलिव ऑयल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक और ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, बस हमें इतने ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बेकिंग ट्रे लिया है, हम इसी में बेक करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पटैटो को हमें काट लेना है। मैं पटैटो को सीधा बेकिंग ट्रे में ही काट रही हूँ और इसका स्किन निकालना नहीं है, सिर्फ हमें एक पटैटो में ऐसे दो भाग करने हैं। इसी तरह से इसका स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसलिए हमें स्किन निकालने की ज़रूरत नहीं है। और स्किन का भी एक अलग अपना टेस्ट होता है। तो इस तरह से हमें सारे पटैटोज़ जो हैं काट लेने हैं। मैंने सारे पटैटोज़ को काट लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें अराउंड, इसमें थोड़ा तेल हमें ज़्यादा चाहिए होगा, तो 2 टेबलस्पून जितना मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। फिर 1 टीस्पून फुल मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून फुल हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर है, इसको हमें ऐड करके हमें हाथ से ही मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि हमारे सारे जो आलू के पीसेस हैं उसमें एकदम से मिल जाने चाहिए सारे इंग्रेडिएंट्स। इस तरह से मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब चलो हम इसको अवन में डाल देते हैं। हमारा अवन प्री हीट हो गया है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने 20 मिनट्स के बाद मैंने निकाला है पटैटो को, एक बार चेक कर लेते हैं। हाफ मतलब हो गया है, कुक हो गया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको 15 मिनट के लिए और हमें अवन में डालना है। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमें इसको अच्छे से एक बार जो नीचे का ऊपर एक बार सब मिक्स कर देना है एकदम अच्छे से, ताकि हमें इसको सोंधा करना है। तो हमारे पटैटो के ऊपर एकदम इस तरह से ब्राउन ब्राउन हो जाना चाहिए, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो हमें इस तरह से एक बार सब अब इसको हमें 15 मिनट के लिए और रख देना है सोंधा होने के लिए। हमारा पटैटो हो गया है अच्छे से बेक। अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हुआ है। हमें इतना सोना करना होता है तब इसका टेस्ट एकदम अच्छा आता है। तो एकदम अच्छे से हमने यहाँ पे सोना किया है हमारे पटैटो को, और काफ़ी यम्मी ये पटैटो होता है। आपको इसको किसी भी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं। ये अपने में ही एक तोरण और बोरन दोनों का काम ये कर जाता है, इतना टेस्टी होता है ये हमारा बेबी बेक पटैटोज। देखा आप लोगों ने, बेबी बेक पटैटोज बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इतना, बस 3 इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। इंग्रेडिएंट्स कम लगता है और टेस्ट का आप पूछो मत कितना टेस्टी लगता है। आप खाकर खुद बताना कि कैसा बना था। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय।